नमस्ते, उपस्थित होकर नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों को केवाईसी क्या है, सी केवाईसी क्या है, ई केवाईसी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपने केवाईसी का नाम सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मतलब कि ग्राहक के बारे में जानकारी एकत्रित करना। अब देखिए, केवाईसी तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल केवाईसी, एक होता है सी केवाईसी और एक होता है ई केवाईसी। अगर नॉर्मल केवाईसी की बात करें तो आप अगर बैंक में अधिकतर आप जो केवाईसी करवाते हैं, जहां आपको सशरीर उपस्थित होना होता है और एक कागजात आपको जमा करना होता है, उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के आप जमा करेंगे तो आपका नॉर्मल केवाईसी हो जाएगा। साथ साथ अगर आप ई केवाईसी की बात करें तो ई केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि आप घर बैठे ई केवाईसी के माध्यम से आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे पेटीएम ने दे दिया है कि अगर आप घर बैठे आप केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से आप केवाईसी करवा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ई केवाईसी का मतलब कि आप घर बैठे, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप केवाईसी करवा सकते हैं। चाहे तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर भी आप अपना पूरा जानकारी अगर आप डालते हैं तो आपका केवाईसी हो जाएगा। अब तीसरा जो केवाईसी होता है वो सी केवाईसी होता है। सी केवाईसी का मतलब होता है सेंट्रल केवाईसी, मतलब कि सेंट्रल नो योर कस्टमर। अब सेंट्रल केवाईसी शुरू में सेंट्रल केवाईसी ही था, लेकिन वो केवाईसी को ही ज़्यादातर प्रीफर किया गया नॉर्मल केवाईसी को। सेंट्रल केवाईसी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार केवाईसी करवा लिए सेंट्रल केवाईसी के माध्यम से, तो आपको 14 अंक का एक यूनिक कोड मिलेगा। उस यूनिक कोड के माध्यम से आप कभी भी जहां भी जाएंगे केवाईसी आपको अगर मांगा जाएगा, जैसे कि आप बीमा करवाते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हर जगह आपका केवाईसी करने को कहा जाता है। तो आपको हर जगह अलग से कागजात केवाईसी के लिए जमा नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आप वो 14 अंक का आप केवाईसी नंबर डालेंगे और आपका हर जगह एक ही वो 14 अंक के कोड से आपका केवाईसी हो जाएगा। तो सी केवाईसी का मतलब यही होता है। हालांकि ये अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन ई केवाईसी और नॉर्मल केवाईसी ज़्यादा प्रचलित है। तो यही जानकारी था सी केवाईसी, नॉर्मल केवाईसी और ई केवाईसी के बारे में। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।